थोड़ी देर में भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। जातिगत जनगणना पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ का फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। कैबिनेट की बैठक से सभी वर्गों को बेहद उम्मीद है। कर्मचारी, पुलिस जवान, किसानों, उद्योगपतियों की उम्मीदें आज की कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और उससे पहले आज की कैबिनेट बैठक आखिरी बैठक होगी और इस आखिरी कैबिनेट की बैठक से पूरे प्रदेश के सभी वर्ग तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आज उनके लिए कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर चर्चा कर उन्हें पास किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टिकेश सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। टिकेश, आज की कैबिनेट आखिरी कैबिनेट होने जा रही है, इसके साथ ही खास बात यह कि सभी वर्गों की आज उम्मीदें इस कैबिनेट बैठक से जुड़ी हैं। जी देखिए ऋतु, बता दूं कि आचार संहिता से पहले भूपेश कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हो रही है और कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री वो सीएम हाउस की ओर पहुंच चुके हैं और आने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता से पहले एक कैबिनेट बैठक और अंतिम बैठक हो सकती है। तो ऐसे जो चुनावी वादे थे कांग्रेस सरकार के, उन तमाम विषयों को लेकर के विचार मंथन किया जाएगा और उसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। किस तरीके से जो बचे वादे हैं उसको पूरा किया जा सकते हैं, तो उनमें उन वादों में से कुछ न कुछ आज की जो बैठक में वो निकल कर आ सकती है। रही बात कर्मचारियों की, तो लाखों कर्मचारी असंबित है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, अनियमित कर्मचारी हो। नियमितीकरण की बात हुआ था तो उस पर भी आज फैसला हो सकता है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना को लेकर के भी, और आवास योजना जो मुख्यमंत्री आवास योजना भी लागू किया है, उन विषयों पर भी चर्चा हो सकते हैं। तो ऐसे में इस बैठक से प्रदेश की जनता के, जो किसान वर्ग है, महिला है, या फिर युवा हो, या फिर उद्योगपति हो, सबकी नजर टिकी हुई कि इस अंतिम कैबिनेट बैठक में अगर कई ऐसे बिंदु निकल कर साथ कई ऐसे फैसले भूपेश सरकार ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए कारगर साबित हो। उस हिसाब से, उस लहजे से ये जो पूरा कैबिनेट की बैठक है उसको देखा जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए, सरकार किसानों से लेकर उद्योगपति, हर वर्ग आज इंतजार कर रहा और नजरें गड़ाए बैठा है इस कैबिनेट बैठक पर कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो उनके हित में लिए जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।